हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पेपर टू से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, मिसलेनियस क्वेश्चन होगा जो हमारा सीरीज चल रहा है मिसलेनियस का। ऑलराइट, ये हमारा वीडियो नंबर 5 होगा दोस्तों। इससे पहले हम 4 वीडियो आपको डिस्कस कर चुके हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन से। यहाँ इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कुछ नए क्वेश्चन भी हैं, कुछ बहुत कम पुराने रहेंगे और बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ से आपका और कंसेप्ट आपका बिल्डअप होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, फर्स्ट है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ऑल राइट, देखिए, दाव ई आई ए वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट, इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ओवर 30 क्लासेज ऑफ प्रोजेक्ट। ये सही है दोस्तों, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो सबसे पहली बार आया था वो रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए ही आया था। ओके, क्योंकि रिवर वैली प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता था, उससे बहुत बड़े मतलब पूरे इकोलॉजी को, पूरे इकोसिस्टम का कह सकते हैं, जहाँ भी ये प्लांट लगता था उसको बहुत बुरी तरह से कह सकते हैं प्रभावित करता था। ऑब्वियसली इसका बेनिफिट भी है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस होते थे। ओके, इन्वायरमेंट पर भी प्रभाव पड़ता था, तो उसके लिए सबसे पहले रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए ही लाया गया था। यह सही है। द ई आई ए प्रोसेस इन इंडिया इज ए 6-स्टेज्ड प्रोसेस। 6-स्टेज प्रोसेस नहीं दोस्तों, हमने कई बार डिस्कस किया, ये 4-स्टेज प्रोसेस है हमारे इंडिया में। कम से कम ये जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का जो पूरा इन्वायरमेंट क्लियरेंस का जो प्रोसेस है वो टोटल 4-स्टेज प्रोसेस है। ध्यान रखिएगा, 6-स्टेज नहीं है तो ये गलत है। नेक्स्ट है, द इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 इज द नोडल सेंटर फॉर इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अप्रूवल इंडिया। बिल्कुल, जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का जो बनाया गया, इसको गठन किया गया है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा 1986 है उसी के अंडर इसको मतलब बनाया गया है, और सबसे पहली बार 1994 में इंडिया में इसको लागू किया गया था। याद रखिएगा, 1994 में। ऑल राइट, हमसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर दोस्तों करेक्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो फर्स्ट थर्ड करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट था। ओके, 4 स्टेजेज होता है इसमें, ध्यान रखिएगा, इसको हम और अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, ई आई ए वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1978। ये हमारे देश का बात नहीं दोस्तों, ये फॉरेन कंट्री का है, शायद अमेरिका में सबसे पहली बार आया था 1978 में। विथ रिगार्ड टू द वेरियस रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑल ओवर द कंट्री एंड लेटर एक्सपांडेड टू इंक्लूड वेरियस अदर डेवलपमेंटल प्रोसीड्यूर इन द स्कोप। ओके, सबसे पहले तो इसमें रिवर वैली प्रोजेक्ट लिया था, उसके बाद इसके अंदर कई सारा, जैसे आप हम जानते भी हैं, थर्मल पावर प्लांट है, माइनिंग प्रोजेक्ट वगैरह जो लगता है वहाँ पर, सब में ई आई करना मस्ट हो जाता है। अब EIA is now mandatory for 30 classes of project, hence statement 1 is correct है। The environment protection rules 1986 warrant for the imposition of certain restriction on the constructions, expansion, modernization of specific project without prior approval for the central, state or union territory level। Environment impact assessment authority constituted under the environment protection act 1986, hence statement 3 is correct। कह रहा है कि जो हमारा EIA बना है, obviously environment protection act 1986 के अंदर ही बना है, और बहुत सारा कहाँ पर इसको, चाहे स्टेट में, सेंट्रल में, यूटी में, कहाँ पर इसको प्रोहिबिट करना है, कहाँ पर इसको लागू करना है, ये सारा रूल्स इसको कौन बताता है, तो वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू। देखिए, द ईआईए नोटिफिकेशन 2006 प्रोवाइड्स फॉर ए 4-स्टेज प्रोसीड्यूर फॉर ऑब्टेनिंग इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। अब अगर किसी भी प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है, तो उसके लिए इन्वायरमेंट इंपैक्ट का जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को 4 स्टेज है, उससे होकर इसको पास करना होता है। ऑल राइट, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। द एनर्जी वैल्यू, द एनर्जी कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय। द एनर्जी कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का जो हमारा सॉलिड वेस्ट है दोस्तों, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, उसमें हम एनर्जी कंटेंट किस प्रकार से निकालते हैं, ऑर्गेनिक जो हमारा कंपोनेंट है उसका एनर्जी कंटेंट हम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट है फुल स्केल बॉयलर एज ए कैलोरीमीटर, बिल्कुल सही बात है, लेबोरेटरी बॉम्ब कैलोरीमीटर या मॉडिफाइड डुलोंग इक्वेशंस, इन सारे टेक्निक्स के थ्रू दोस्तों हम उसका एनर्जी कंटेंट निकालते हैं। हमारा जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है उसका जो भी ऑर्गेनिक मैटर वगैरह होगा उसका किसमें कितना ज़्यादा एनर्जी कंटेंट है, इससे हम ये तीनों जो टेक्निक है, फुल स्केल बॉयलर एज ए कैलोरीमीटर और लेबोरेटरी बॉम्ब कैलोरीमीटर या मॉडिफाइड डुलोंग इक्वेशन, इन तीनों तरीके से हम निकालते हैं। ऑल राइट, तो हमारा ऑप्शन 4th ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज ए हेट्रोजीनस मिक्सर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट विच आर नॉट ट्रांसपोर्टेड विथ वाटर एज ए सीवेज। ऑब्वियसली बात है, ये इसमें हेट्रोजीनस मिक्सर होता है, बहुत सारा इसमें सॉलिड वेस्ट है जो कि ट्रांसपोर्ट नहीं किया, इसको हम वाटर के साथ सीवेज में इसको हम ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। ऑल राइट,
इट में इंक्लूड बायोडिग्रेडेबल, इसमें बहुत सारा बायोडिग्रेडेबल होता है जिसको पुट्रेसेबल भी कहते हैं, फूड वेस्ट हो सकता है आपका, गार्बेज है, नॉन पुट्रेसेबल के अंदर आपका पेपर ग्लास रैक्स मेटल आइटम सीटीसी हो सकता है जिसको हम रविश बोलते हैं। द गार्बेज इंक्लूड्स ऑल साइड्स ऑफ पुट्रेसेबल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन फ्रॉम किचन होटल रेस्टोरेंट इटीसी। द रविश कंप्राइज द मटेरियल डेट में आइदर बी कंबस्टेबल, रविश के अंदर आपका कंबस्टेबल ही हो सकता है, और जैसे कंबस्टेबल में आपका पेपर प्लास्टिक टेक्सटाइल ये सब हो सकता है दोस्तों, और इनकंबस्टेबल में आपका ब्रोकन ग्लास क्रॉकरी मेटल मेजनरी ये सब आपका इनकंबस्टेबल में हो सकता है। ऑलराइट, देखिए स्टीमेटिंग एनर्जी कंटेंट ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का हम एनर्जी कंटेंट कैसे एस्टिमेट करते हैं, तो पहला है फुल स्केल बॉयलर एज ए कैलोरी मीटर, अपने को बस नाम ही ध्यान रखना है दोस्तों, फुल स्केल बॉयलर एज ए कैलोरी मीटर। नेक्स्ट है लेबोरेटरी बॉम्ब कैलोरी मीटर, एंड द लास्ट है आपका मॉडिफाइड डूलोंग इक्वेशन। याद रखिए तीनों, फुल स्केल बॉयलर एज ए कैलोरी मीटर, उसका बाद था आपका लेबोरेटरी बॉम्ब कैलोरी मीटर। बॉम्ब कैलोरी मीटर के बारे में तो आपने सुना भी होगा दोस्तों, बॉम्ब कैलोरी मीटर से एनर्जी वैल्यू वगैरह ऑर्गेनिक कंटेंट का ये निकाला जाता है बॉम्ब कैलोरी मीटर से। ऑलराइट, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री का भी सिलेबस है। नेक्स्ट है फील्ड कैपेसिटी ऑफ ए म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट वेराइज विद द डिग्री ऑफ, देखिए फील्ड कैपेसिटी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, फील्ड कैपेसिटी होता क्या है, तो देखिए जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है दोस्तों, या ऑर्गेनिक मैटर कहिए, इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट तो होता है, बहुत ज़्यादा होता है, हमारा फूड वेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है। ओके, तो बहुत सारा जो मॉइस्चर होता है यू खुद ब खुद क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। ऑलराइट, या कह सकते थे ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो मॉइस्चर निकल जाता है, लेकिन कुछ जो रिटेन रह जाता है, बहुत सारा मॉइस्चर दोस्तों आप देखिएगा कि वो इजिली नहीं निकलता, रिटेन रह जाता है। ओके, वो जिस भी वेस्ट के साथ है वो उसमें मॉइस्चर वो एज इट इज रहता ही है, उसको हम आसानी से नहीं निकाल सकते, तो जो रिटेन्ड मॉइस्चर है हमारा उसी को क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी। मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों, ये अगर सही रहा तो हमारा बहुत सारा प्रोसेस को इफेक्ट कर सकता है, तो जो रिटेन्ड मॉइस्चर कंटेंट है उसको हम क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी, ये तो बस ध्यान रखिए। तो कह रहा है फील्ड कैपेसिटी म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट वेराइज विद द डिग्री ऑफ, ये किस पे एक प्रकार से डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पर, तो आपका डिग्री ऑफ अप्लाइड प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर पर डिपेंड करता है, दिन है स्टेट ऑफ डिकम्पोजिशन, इसको मतलब इस पर भी डिपेंड करता है, या इसको भी मतलब एक प्रकार से इफेक्ट कर सकता है। परमिएबिलिटी पर नहीं करता है, अमाउंट ऑफ नेचुरल फाइबर प्रेजेंट इस पर भी नहीं करता है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा करेक्ट है, डिग्री ऑफ अप्लाइड प्रेशर देन है स्टेट ऑफ डिकम्पोजिशन, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, द फील्ड कैपेसिटी ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डेट कैन बी रिटेन्ड एनी वेस्ट सैंपल सब्जेक्टेड टू ग्रेविटेशनल पुल, जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट उसके साथ ही रिटेन्ड रह गया ग्रेविटेशनल पुल के कारण भी या ग्रेविटेशनल पुल के बाद भी, उसको हम क्या कहेंगे, फील्ड कैपेसिटी कहेंगे। इट इज़ अ क्रिटिकल मीजर बिकॉज द वाटर इन एक्सेस ऑफ फील्ड कैपेसिटी विल फॉर्म लीचेट, देखिए अगर जो एक्सेस हमारा मॉइस्चर कंटेंट रह गया ना, अगर उसको हम डंप कर दिए कहीं पर, लैंडफिल कर दिए, तो वो क्या करेगा, लीचेट का काम करेगा। ऑलराइट, जो एक्सेस मॉइस्चर कंटेंट है यही तो बाहर पानी के रूप में निकल, लिक्विड के फॉर्म में निकलता है दोस्तों, ऊज जो करता है उसको हम क्या कहते हैं, लीचेट कहते हैं, एंड लीचेट कैन बी मेजर प्रॉब्लम इन लैंडफिल, और लीचेट हमारा लैंडफिल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो है ही, सॉइल पोल्यूशन करता है, वाटर को कंटामिनेट कर सकता है। फील्ड कैपेसिटी वेराइज विद द डिग्री ऑफ अप्लाइड प्रेशर, ये आपका अप्लाइड प्रेशर पे डिपेंड करेगा, उससे यह मतलब कम बेसी हो सकता है, एंड स्टेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द वेस्ट, वेस्ट का डिकम्पोजिशन का स्टेट क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। ऑलराइट, तो ध्यान रखिएगा फील्ड कैपेसिटी दो चीज़ पर डिपेंड करता है, आपका अप्लाइड प्रेशर पर और स्टेट ऑफ डिकम्पोजिशन पर। ऑलराइट, नेक्स्ट है दोस्तों परमिएबिलिटी ऑफ कंपैक्टेड वेस्ट, इसको भी देख लेते हैं। द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ कंपैक्टेड वेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बिकॉज इट गवर्न्स द governs the movement of liquid and gases in a landfill. Permeability depends on the other properties of the solid material including pore size. जो हमारा permeability है वो आपके पोर के साइज़ पर डिपेंड करता है, distribution पर डिपेंड भी कर सकता है, सरफेस एरिया उसका बड़ा है या छोटा है इस पर permeability डिपेंड कर सकता है, एंड porosity पर भी डिपेंड करता है। नेचुरल फाइबर, दीज आर फाउंड इन ए पेपर प्रोडक्ट, ये आपका पेपर प्रोडक्ट में हो सकता है, फूड एंड यार्ड वेस्ट में हो सकता है नेचुरल फाइबर, इंक्लूड इन देन नेचुरल कंपाउंड सेलुलोज एंड लिग्निन दैट आर रेसिस्टेंट टू बायोडिग्रेडेशन। ओके, ये देखिए बायोडिग्रेडेशन में रेसिस्टेंट का काम करता है, जो हमारा नेचुरल फाइबर दोस्तों होता है ये ईजिली मतलब डिकम्पोज नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेलुलोज होता है, लिग्निन होता है, सेलुलोज लिग्निन क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल तो है लेकिन ये इजिली डिकम्पोज नहीं होता दोस्तों। जैसे सेलुलोज, हम सब भी, हमारे पास भी सेलुलोज को डाइजेशन करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है, सेलुलोज को कौन आपका डाइजेस्ट कर सकता है, तो आर्किया बैक्टीरिया इसको डाइजेस्ट करता है। एनिमल के पास भी यूजुअली नहीं होता, लेकिन एनिमल के अंदर क्या होता है, उसके पेट में रूमिनेंट में होता है, जो रूमेन एनिमल है उसमें आर्किया बैक्टीरिया होता है, तो आर्किया बैक्टीरिया सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ये इजिली डाइजेस्टेबल नहीं होता है, इसका मतलब डिकम्पोजिशन भी इजिली नहीं होता दोस्तों, इसलिए ये सब क्या है आपके नेचुरल फाइबर के अंतर्गत आता है। रेसिस्टेंट टू बायोडिग्रेडेशन मतलब बायोडिग्रेडेशन में एक प्रकार के प्रतिरोध पैदा करता है ये।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थवर्म एक्सक्रीट द म्यूकस कोटेड अनडाइजेस्टेड मैटर एज, जो अर्थवर्म होता है हमारा केचुआ वो एक्सक्रीट करता है म्यूकस कोटेड अनडाइजेस्टेड मैटर, जो म्यूकस कोटेड अनडाइजेस्टेड मैटर वो एक्सक्रीट करता है या उसका जो एक्सक्रीटा है, अर्थवर्म का जो एक्सक्रीट है उसको हम क्या कहेंगे, वर्म कोस्ट, वर्मी कल्चर, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्टिंग। देखिए दोस्तों उसको कहेंगे वर्म कोस्ट, वर्म कास्ट, जो अर्थवर्म अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटा है उसको क्या कहेंगे, वर्म कास्ट। वर्मी कल्चर तो दोस्तों अर्थवर्म को पालना हमको उसको कहते हैं वर्मी कल्चर कहते हैं। कंपोस्ट तो आप जानते हैं वर्मी कंपोस्टिंग की, वो पूरा जो हम एक प्रकार से मैन्यूर बनाते हैं, मैन्यूर अर्थवर्म से जो मैन्यूर बनाने का प्रोसेस है उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो ओके याद रखिए क्या होगा, वर्म कास्ट, अर्थवर्म का एक्सक्रीटा के बारे में आपसे पूछा तो वो क्या वर्म कास्ट। देखिए वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, इट इज़ एन इको फ्रेंडली लो कॉस्ट इफेक्टिव एंड इफेक्टिव वे टू रिसाइकल एग्रीकल्चर एंड किचन वेस्ट, मतलब एक पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण है, इको फ्रेंडली है, लो कॉस्ट इफेक्टिव है, किफ़ायती है और इफेक्टिव वे टू रिसाइकल एग्रीकल्चर किचन वेस्ट, जो हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकता है या किचन वेस्ट हो सकता है उसको रिसाइकिल करने का या कह सकते उसे मैन्यूर बनाने का एक बढ़िया तरीका है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग इज एन अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर द डिस्पोजल ऑफ नॉन टॉक्सिक सॉलिड लिक्विड ऑर्गेनिक मैटर और इन वेस्ट, इट हेल्प्स इन द कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिसाइकलिंग एनिमल वेस्ट, एग्रीकल्चर रिसाइकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट यूजिंग लो एनर्जी, मतलब कम एनर्जी में हम इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट इट रेफर्स टू ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोड्यूस बाय अर्थवर्म, देखिए जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर है अर्थवर्म प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वर्म कास्टिंग, इसमें आपका वर्म का कास्टिंग हो सकता है, मतलब जो अर्थवर्म उसका आपका एक्सक्रीटा हो सकता है। ऑर्गेनिक मटेरियल इंक्लूडिंग ह्यूमस, ऑब्वियसली जो वेस्ट जो डिकम्पोज होगा वहाँ पर ह्यूमस बनेगा तो वो होता है इसमें, लाइक अर्थवर्म एंड देयर कुकून एंड अदर ऑर्गेनिज्म, ये सब मिलकर जो आपका ह्यूमस बनाएगा वो। द एप्लीकेशन ऑफ द वर्मी कंपोस्ट नॉट ओनली एड्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स, वर्मी कंपोस्ट ना ही केवल आपके प्लांट न्यूट्रिएंट को ऐड नहीं करता है, प्लांट के लिए जो भी मिनरल्स या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो या मैक्रो न्यूट्रिएंट हो, इसके अलावा एन ग्रोथ रेगुलेटर बट ऑल्सो इंक्रीजेज सॉइल वाटर रिटेंशन, ये जो है सॉइल में वाटर के रिटेंशन को भी मतलब इंक्रीज अप करता है ताकि वाटर जो है सॉइल के अंदर ज़्यादा देर तक या ज़्यादा वाटर वो उसमें रिटेन हो सके। ओके प्लांट के ग्रोथ के लिए तो वाटर बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन बहुत सारा ऐसा सॉइल होता है जिसको वाटर रिटेंशन बहुत कम होता है, पानी नीचे के परकुलेट कर जाता है तो जिसके कारण कि आपको वाटर जो है डेली इरीगेट करना पड़ता है, लेकिन जो है आपका वर्मी कंपोस्ट अगर बनाते हैं तो इस प्रकार के जो सॉइल में यहाँ से जो हमको सॉइल या एक प्रकार से ह्यूमस मिलता है उसमें वाटर रिटेंशन की ज़्यादा होता है। माइक्रोबियल पॉपुलेशन को भी इंक्रीज कर देता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट को बढ़ा देता है, कार्बन कंटेंट इन द सॉइल। ऑलराइट अर्थवर्म देखिए, एक्सक्रीट द म्यूकस कोटेड अनडाइजेस्टेड मैटर एज वर्म कोस्ट, वर्म कोस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट हैज अंडरगोन फिजिकल केमिकल ब्रेकडाउन थ्रू द एक्टिविटी ऑफ द मस्कुलर गिजार्ड विच ग्राइंड्स द मटेरियल टू अ पार्टिकल साइज 1 to 2 micron। द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन वर्म कोस्ट आर रेडिली सॉल्युबल, वर्म कास्ट के अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है वो वाटर में इजिली सॉल्युबल है आपका, आपके को प्लांट उसको आसानी से यूज कर सकता है। वर्म कोस्ट आर रिच सोर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो वर्म कास्ट होता है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों प्लेंटी मात्रा में होता है। देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, प्लांट के लिए जो भी मतलब टोटल 17 एलिमेंट की आवश्यकता होती है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऑलराइट विटामिंस एंजाइम्स एंटीबायोटिक्स ग्रोथ हार्मोन एंड इमोबिलाइज्ड माइक्रोफ्लोरा, ये सारा चीज उसमें वर्म कास्ट के अंदर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन स्मॉल मीडियम एंड लार्ज सिटीज एंड टाउन्स रिस्पेक्टिवली, देखिए जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है आपके छोटे शहरों में, थोड़ा मीडियम शहर में और लार्ज सिटीज़ में और टाउन्स में, वो कितना के आसपास होता है वो आपको बताना है। देखिए दोस्तों हमने पढ़ा था कभी ना कभी, आपको पता होगा कि जो लार्ज सिटीज़ होता है, बड़े शहर हैं कम से कम इंडिया में, आधा केजी जो है वो सॉलिड वेस्ट डेली जनरेट करते हैं, हाफ केजी सॉलिड वेस्ट मतलब आपके लार्ज सिटी में डेली जनरेट होता है और आपका जो स्मॉल है उसमें 100 ग्राम के आसपास। ऑलराइट 100 ग्राम के आसपास। ओके तो देखिए आधा केजी आपका लार्ज सिटीज में, लार्ज सिटी एंड टाउन्स में 100 ग्राम है आपका, स्मॉल सिटीज में मीडियम में हो गया आपका लगभग 350-350 ग्राम। ओके तो यही हमारा आंसर है, आधा केजी तो स्मॉल सिटी में नहीं होता है, ये 800 ग्राम बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 100 ग्राम 300-350 ग्राम के आसपास, उसके बाद है आधा केजी। ये आपका याद रखिएगा दोस्तों, लार्ज सिटीज़ बस आप याद रखिए कि लार्ज सिटी में जो वेस्ट जनरेट होता है सॉलिड वेस्ट डेली कितना पर कैपिटा पर डे, आधा केजी पर डे, और स्मॉल सिटीज़ में 100 ग्राम पर डे। देखिए CPCB का एक डाटा है, एज पर CPCB द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन स्मॉल सिटीज 0.1 kg पर डे, जो स्मॉल सिटीज होता है वहाँ पर आपका 0.1 kg पर कैपिटा पर डे जनरेट होता है, मतलब 100 ग्राम के आसपास,
आपका मीडियम सिटी में 300 से 400 ग्राम के आसपास, और जो बड़े शहर है ओके लार्ज सिटीज़ में आधा के जी पर कैपिटा पर डे ये रिलीज होता है। ओके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स या पॉलिसीज, रूल्स या पॉलिसीज क्वेश्चन दोस्तों 100% आएगा ही आएगा। ओके तो इसको अच्छे से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स या पॉलिसी स्कीम इज नॉट इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2008, देखिए 2008 में आपका कौन सा रूल या स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च नहीं किया वो आपसे पूछ रहा है। ओके तो कौन सा रूल 2008 में नहीं आया, प्लास्टिक वेस्ट रूल या नेशनल अर्बन सैनिटाइजेशन पॉलिसी तो 2008 में बनाई दोस्तों, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट ये भी 2008 में आया है, हैजार्डस वेस्ट का रूल ये भी 2008 में आया था, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2011 का है शायद, देखेंगे इसको। ओके तो हमारा आंसर तो दोस्तों प्लास्टिक वेस्ट रूल्स हो गया, ये आपका 2008 में नहीं आया था, नेशनल वाटर सैनिटेशन पॉलिसी 2008 में ही आया। ऑलराइट ध्यान रखिएगा, तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट सही है, सॉरी यही हमारा आंसर होगा कि प्लास्टिक वेस्ट रूल 2008 में नहीं आया है। देखिए द नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी जो आपका राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता पॉलिसी जो है वो लॉन्च इन 2008 ही, तो 2008 में लॉन्च ही हुआ है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इम्फेसिंग द नीड ऑफ डिफाइनिंग इंटीग्रेटेड सिटी वाइड सैनिटेशन प्लान्स इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग अवेयरनेस जनरेशन एंड बिहेवियरल चेंजेस, मतलब इन सारे चीज़ों पर इनका ध्यान था जो नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी है। ओके द नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट देखिए वाज अप्रूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर सिविल फॉर क्लाइमेट चेंज इन जून 2010, इसको जून 2010 में इसको अडॉप्ट किया गया था, एक प्रकार से अप्रूव किया गया था। इट इज़ वन ऑफ द 8 मिशन अंडर द नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान एंड एम्स टू मेक सिटीज सस्टेनेबल थ्रू इंप्रूवमेंट इन एनर्जी इफिशियंसी इन बिल्डिंग मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। देखिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स दोस्तों, द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स वेर फॉर्मड इन 2011, इसको 2011 में बना था इसलिए हमको ध्यान था, टू सेटअप ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मैनुफैक्चर यूजेज एंड रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स टू इंश्योर मैनेजमेंट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट। ऑलराइट इसमें आपका प्लास्टिक रिसाइकलिंग से रिलेटेड है, उसके मैनुफैक्चरिंग से रिलेटेड है, किस प्रकार से हमको कौन यूज प्लास्टिक का उसका किसका यूज़ करना चाहिए, उसके थिकनेस से रिलेटेड सारी बातों को इसमें बताया गया था 2011 के रूल्स में। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स वेयर लॉन्च इन 2008, ये भी 2008 में लॉन्च किया था, वेयर फ्रेम्ड फॉर रेगुलेटिंग जनरेशन स्टोरेज रीयूज रिसाइकलिंग एंड इंपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन ट्रीटमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, इसमें आपका उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, आपका जनरेशन रिलेटेड कुछ बातें हैं, स्टोरेज कब तक स्टोर करना चाहिए 90 डे, आपको पता होगा दोस्तों हम हैजार्डस वेस्ट को 90 डेज से ज़्यादा उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, इन सारी बातों का आपका 2008 में इस रूल में बताया गया। ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देखिए दो स्टेटमेंट आपका एसर्शन और रीजन दिया है, आपका कौन सही और कौन गलत है वो पूछ रहा है। रीड द फॉलोइंग एसर्शन एंड रीजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द वर्म कास्ट आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर एंड दस रेडली अवेलेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। अभी हम पर क्या है, जो भी न्यूट्रिएंट जैसे वर्म कास्ट था दोस्तों वो वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है, जिसके कारण प्लांट जो है अपना आसानी से उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसको एब्जॉर्ब कर पाता है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। वॉर्म कास्ट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डेट हैज अंडरगोन फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन थ्रू द मस्कुलर एक्टिविटी डेट ग्राइंड्स द मटेरियल टू अ पार्टिकल साइज ऑफ 1 to 2 माइक्रोन। ये भी हम पर कहें दोस्तों कि वॉर्म कास्ट के अंदर जो है आपका कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डेट हैज अंडरगोन फिजिकल केमिकल ब्रेकडाउन, वॉर्म कास्ट का जो मटेरियल है, ये वॉर्म कास्ट क्या है, तो आपका अर्थवर्म का एक्सक्रीटा है, उसके अंदर फिर ब्रेकडाउन होता है केमिकल या फिजिकल ब्रेकडाउन होता है किसके कारण, थ्रू द मस्कुलर एक्टिविटी इन ग्राइंड्स, उसके अर्थवर्म उसको अपने मस्कुलर एक्टिविटी या उसको एक प्रकार से जिसको ग्राइंड करता है, ग्राइंड का मतलब पीसता है टू पार्टिकल साइज, ताकि उसको 1 to 2 माइक्रोन मतलब इतना छोटा साइज उसको कर दिया जाए, और इतना छोटा होता है ना, बहुत छोटा हो जाता है दोस्तों 1 to 2 माइक्रोन, ये तो बहुत छोटा साइज हो गया, जिसके कारण कि यह इजिली वाटर में सॉल्युबल हो जाता है और इसमें न्यूट्रिशियस बहुत ज़्यादा होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होता है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट दोनों प्रेजेंट होता है, जिसके कारण प्लांट इसको इजिली एब्जॉर्ब कर पाता है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। और प्लांट जो देखिए ईजिली उसको ले पाता है, प्लांट जो ईजिली इसको प्लांट अपने ग्रोथ में ईजिली इसको यूज़ कर पाता है, उसका कारण यह है कि इसका साइज़ बहुत छोटा है और ये ईजिली सॉल्युबल है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट्स भी सही है और हमारा रीजन भी सही है, और रीजन स्टेटमेंट को जो एसर्शन को उसको अच्छी तरह से आपको डिस्कस भी कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, बोथ एसर्शन एंड द रीजन आर ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो हमारा रीजन है एसर्शन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। ऑलराइट वॉर्म कास्टिंग देखिए इट इज़ एन इको फ्रेंडली ग्लो, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, जो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड होता है जैसे ऑक्सीडेशन पॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा है दोस्तों, वो क्या होता है, तो एरोबिक तो होता ही है, एल्गी और आपका बैक्टीरिया का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है होता है, एनएरोबिक भी हो सकता है, देखिए ऊपर का जो है ऑब्वियसली एरोबिक होगा, नीचे यूज में थोड़ा बहुत एनएरोबिक भी होता है। फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव का मतलब क्या,
कि मान लीजिए जब ऑक्सीजन प्लेंटी मात्रा में है तो एरोबिक होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा बैक्टीरिया है एरोबिक कंडीशन में काम करेगा, लेकिन जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता, जैसे नीचे में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेगा वो एनएरोबिक कंडीशन में वर्क भी कर सकता है। तो फैकल्टेटिव का मतलब यही होता है कि जब जो जिसका जिसका जो नेचर होता है वो नेचर ना रखे बाद में कोई कुछ और मतलब करना। जैसे एरोबिक बैक्टीरिया है उसको तो एरोबिक कंडीशन में ही काम करना चाहिए, लेकिन जब एरोबिक कंडीशन उस के पास नहीं होता है तो क्या करेगा, कह सकते हैं कि एडवर्स कंडीशन में वो एनएरोबिक भी करने लगता है, ऑलराइट, एनएरोबिक डिग्रेडेशन भी करने, इसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव। तो तीनों हो सकता है, जो हमारा वेस्ट एस्टेब्लिशमेंट पाउंड होता है आपका एरोबिक भी होता है, एनएरोबिक भी होता है, फैकल्टेटिव भी होता है, तो एनी ऑफ द एबव। देखिए दोस्तों, वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन या ऑक्सीडेशन पॉन्ड, इसको और अच्छे से देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेगून्स और स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, इसको लेगून्स और स्टेबलाइजेशन पॉन्ड भी बोलते हैं। आर लार्ज सैलो पॉन्ड डिजाइन टू ट्रीट वेस्ट वाटर थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट बैक्टीरिया एंड एल्गी। देखिए इसके बारे में हमने बात किया था कि वहाँ पर क्या होता है कि एल्गी होता है, बैक्टीरिया होता है, एल्गी बैक्टीरिया पहले से अवेलेबल है, कोई मतलब आपको कहीं से बाहर से लाना नहीं पड़ेगा, आपको बस वेस्ट वाटर वहाँ के डाल दीजिए और खुद में खुद सारा काम होने लगता है। ओके, कॉस्ट इफेक्टिव होता है इसलिए इस चीज़ को करते हैं। हमने इसके डीप इसका कितना डीप होना चाहिए इसके बारे में हमने क्वेश्चन भी किया था कि 1 से 1.5 मीटर के आसपास इसकी गहराई होनी चाहिए। ओके, इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन पहले भी किया है। एल्गी ग्रो यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन, एल्गी क्या आपका, एल्गी दोस्तों थैलोफाइटा है। ओके, एल्गी होता है आपका थैलोफाइटा, हमने पहले भी बात भी किया था इस पर, मतलब प्रोड्यूसर होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल होगा तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, सनलाइट के मदद से ये फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है रेस्पिरेशन करने के लिए, किसी को भी रेस्पिरेशन करने के लिए किसी को ऑक्सीजन, जो भी मतलब आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी ही होगी। तो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की मदद से आपके जो ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करती है, ओके, डिग्रेड मतलब डिकम्पोज करती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस द एल्गी रिलीज ऑक्सीजन, एल्गी आपका ऑक्सीजन रिलीज करेगा नीडेड बाय एरोबिक बैक्टीरिया, जिसकी आवश्यकता एरोबिक बैक्टीरिया को है। मैकेनिकल एरेटर्स आर समटाइम्स इंस्टॉल्ड टू सप्लाई येट मोर ऑक्सीजन, कभी कभी मान लीजिए अगर हम बाहर से अगर टेस्ट किए कि जितना ऑक्सीजन होना चाहिए उतना अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बाहर से हम मैकेनिकल मशीन के माध्यम से उसको हम ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराते हैं। देर आर रिड्यूसिंग द रिक्वायर्ड साइज ऑफ द पॉन्ड, इसलिए उसके मतलब पॉन्ड का साइज कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं रखा जाता है। स्लज डिपॉजिट इन द पॉन्ड मस्ट इवेंचुअली बी रिमूव बाय डिग्रेडिंग, और जो स्लज वहाँ पर डिग्रेड होते जाते उसको आपको बार बार निकालना पड़ेगा, ऑलराइट, ताकि नया स्लज हम वहाँ पर डाल सकें। एल्गी रिमेनिंग इन द पॉन्ड इफ्लुएंट कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन और बाय कम्बिनेशन ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट, एल्गी रिमेनिंग द पॉन्ड इफ्लुएंट कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन, एल्गी को हम बाद में फिल्ट्रेशन और कुछ भी और केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू उसको हम नीचे सेटल करवा सकते हैं या बाहर निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। द पॉन्ड कैन बी यूज इंडिविजुअली और लिंक्ड इन ए सीरीज ऑफ इंप्रूवमेंट ट्रीटमेंट, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स, तीन प्रकार का पॉन्ड हो सकता है आपका, एनएरोबिक भी हो सकता है, फैकल्टेटिव भी हो सकता है और एरोबिक मैच्योरेशन इच विथ डिफरेंट ट्रीटमेंट एंड डिजाइन करेक्टरिस्टिक्स, मतलब तीनों प्रकार का हो सकता है आपका, एरोबिक हो सकता है, एनएरोबिक हो सकता है, फैकल्टेटिव, तीनों प्रकार का आपका ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन स्टेबलाइजेशन पॉन्ड हो सकता है। ओके दोस्तों, ध्यान रखिए ये पूरा आपको बता, देखिए एल्गी है सनलाइट, एल्गी क्या करेगा तो ऑक्सीजन छोड़ेगा, बैक्टीरिया उस ऑक्सीजन का यूज़ करके आपका बैक्टीरिया जो आपका डिकम्पोज करेगा ऑर्गेनिक मैटर को, उसमें आपका CO2 भी रिलीज होगा, ऑब्वियसली बात, बैक्टीरिया रेस्पिरेशन करेगा, तो हम लोग भी जैसे CO2 रेस्पिरेशन को छोड़ते हैं तो बैक्टीरिया भी CO2 छोड़ेगा, आपका अमोनिया छोड़ेगा, साथ साथ अदर जो प्रोडक्ट है ये सब अपना छोड़ेगा, तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो तीनों याद रखिए, तीनों प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके कंसेप्ट को और ये बिल्डअप करेगा। देखिए इन ए सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग फैसिलिटी द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड वेस्ट, कोई सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग फैसिलिटी है कहीं पर है, मान लीजिए द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड वेस्ट, आपका जो फूड वेस्ट का मॉइस्चर कंटेंट, पेपर वेस्ट एंड ग्लास वेस्ट आर फाउंड टू बी, सब आपको दिया हुआ है। देखिए फूड वेस्ट का मॉइस्चर कंटेंट आपको क्या लिखा है, तो MCF, मॉइस्चर कंटेंट, MCF का मतलब मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ पेपर को लिखा है MCP, मतलब सबको आपका एब्रीविएशन लिख दिया है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, और मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्लास को आपको लिख दिया है MCG। ओके, MCF का मतलब मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड वेस्ट, MCP का मतलब मॉइस्चर कंटेंट ऑफ पेपर वेस्ट, और MCG का मतलब मॉइस्चर कंटेंट ऑफ का ग्लास है, ऑलराइट, रेस्पेक्टिवली। सिमिलरली द एनर्जी कंटेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, फूड वेस्ट एंड ग्लास वेस्ट आर फाउंड टू बी, देखिए एनर्जी कंटेंट को उसी प्रकार से लिखा है, इसी का मतलब एनर्जी कंटेंट ऑफ प्लास्टिक पेपर वेस्ट, ओके, या प्लास्टिक वेस्ट कर सकते हैं, एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड वेस्ट आपका हो गया, एंड देन है एनर्जी कंटेंट ऑफ ग्लास वेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करा आप कौन सा स्टेटमेंट आपसे करेक्ट है, मतलब इससे यही क्वेश्चन पूछना जा रहा है कि आपको क्या मॉइस्चर कंटेंट के बारे में पता है कि किसका मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है और किसका एनर्जी कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो बस इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये लंबाई देख के मत जाइए इस पे, जो जितना लंबा क्वेश्चन होता उतना आसान रहता है, दिमाग में इसको डाल लीजिए। देखिए आसानी से याद रख सकते दोस्तों, मॉइस्चर कंटेंट फूड वेस्ट का सबसे ज़्यादा होता है, फूड वेस्ट में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ओके,
ये तो पहले से आपको पता भी होगा। और एनर्जी कंटेंट, एनर्जी कंटेंट सबसे ज़्यादा किस में होता है, प्लास्टिक वेस्ट में। तो हमारा प्लास्टिक वेस्ट होता है दोस्तों, उसमें एनर्जी कंटेंट अगर उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो प्लास्टिक वेस्ट में एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होता है और मॉइस्चर कंटेंट आपका फूड वेस्ट में ज़्यादा होता है। बस देख लेंगे किस ऑप्शन में है। देखिए मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बात कराए तो मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल है कि फूड वेस्ट का सबसे ज़्यादा होगा, ये सही है। उसके बाद पेपर वेस्ट, उसके बाद ग्लास, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सही है दोस्तों। देखिए यहाँ पर एनर्जी कंटेंट के बारे में है, प्लास्टिक का एनर्जी कंटेंट बिल्कुल सही बात ज़्यादा होता है, ग्लास का दोस्तों ग्लास का सबसे कम होता है। ग्लास का आपका याद रखिए कि मॉइस्चर कंटेंट भी कम होता है और ग्लास का, ग्लास आप जानते हैं ना शीशा दोस्तों, ग्लास को देखिए इजिली हम बर्न नहीं करते हैं। कारण क्या है कि ग्लास में एनर्जी कंटेंट बहुत कम होता है, इसलिए हम ग्लास को बर्न नहीं करते हैं। और ग्लास में आप मॉइस्चर निकल सकते क्या ग्लास से, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो ग्लास का आपका मॉइस्चर कंटेंट भी कम होता है, ग्लास का आपका एनर्जी कंटेंट भी कम होता है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, यहाँ मॉइस्चर कंटेंट ग्लास का सबसे ज़्यादा बता दिया, ये तो बिल्कुल गलत है। और यहाँ एनर्जी कंटेंट ग्लास का सबसे ज़्यादा बता दें, ग्लास का तो सबसे कम होगा ही दोस्तों, ये तो हम पहले ही बता दिए कि ग्लास का आप आसानी से सोचिए ना, जो आपके पास ग्लास है, ग्लास का मतलब वो आपका यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स वाला ग्लास नहीं, आपका जो मिरर हो सकता है वो एक प्रकार का ग्लास है, तो उसका एनर्जी कंटेंट भी कम होता है और आपका मॉइस्चर कंटेंट भी कम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मॉइस्चर कंटेंट आपका सबसे ज़्यादा फूड वेस्ट का, फिर पेपर वेस्ट का, फिर आपका ग्लास वेस्ट का। ऑलराइट, एनर्जी कंटेंट के बारे में पूछा तो एनर्जी कंटेंट का होता क्या डाटा दोस्तों, सबसे ज़्यादा पेपर प्लास्टिक या पेपर का होता, फिर आपका फूड का होता, देन आपका ग्लास का होता। ऑलराइट, ये एनर्जी का ऑर्डर होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए इसको और अच्छे से देखते हैं दोस्तों, देखिए आपका पूरा डाटा दिया हुआ, टिपिकल डाटा फॉर मॉइस्चर कंटेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड कंपोनेंट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में किसका मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है सबका दिया। देखिए फूड वेस्ट में कितना है, तो 70% मॉइस्चर कंटेंट होता है फूड वेस्ट में। ऑलराइट, पेपर में 6% के आसपास होता है, प्लास्टिक में 2% के आसपास होता है, रबर में 2, वुड में 20, वुड में भी 20 होता है। देखिए दोस्तों मतलब जो भी आपका ऑर्गेनिक जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा होगा उसमें आपका मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, ग्लास में मात्र 2% होता है। ऑलराइट, देखिए हीट वैल्यू या एनर्जी कंटेंट देखते हैं, फूड वेस्ट में कितना है 4652 है, फूड वेस्ट का एनर्जी कंटेंट कितना आपका 4652 किलो के किलो जूल पर केजी है। पेपर का देखिए दोस्तों 16000 है, पेपर का फूड वेस्ट से ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली बात है पेपर का फूड वेस्ट से ज़्यादा होता है। प्लास्टिक का देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा है, 32564 किलो जूल पर केजी। ओके, 32564, तो प्लास्टिक का तो ध्यान रखिए कि प्लास्टिक का आपका एनर्जी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, हीट वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, और फूड का मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। ग्लास का 13 है, ऑलराइट 139 है। ओके, तो ग्लास से तो ज़्यादा आपका फूड वेस्ट का होगा, तो ये डाटा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोस्टिंग मेथड यूजुअली टेक्स द लोएस्ट टाइम टू प्रोड्यूस स्टेबल कंपोस्ट। देखिए कंपोस्टिंग का कुछ आपका नीचे मेथड दिया गया है कि सबसे कम समय किस में लगता है कंपोस्ट बनाने में। ऑलराइट दोस्तों सबको समझते हैं, देखिए फर्स्ट आपका इंदौर मेथड, देन आपका विंड्रो कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग और इन्वेसल कंपोस्टिंग, ये कुछ कंपोस्टिंग का कुछ टेक्निक आपका मेथड दिया हुआ है। सबसे कम टाइम किस में लगता है तो आपका इंदौर मेथड में, इंदौर मेथड में दोस्तों सबसे कम होता है, ये आपका एरोबिक है, कंपोस्टिंग का एरोबिक टेक्निक है। ओके, एरोबिक मेथड है, तो फर्स्ट याद रखिए इंदौर मेथड में सबसे कम समय लगता है, इसको और अच्छे समझते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग हम जानते हैं ये अर्थवर्म के माध्यम से किया जाता है, इट इन्वॉल्व्स द स्टेबलाइजेशन ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट थ्रू अर्थवर्म, अर्थवर्म के माध्यम से हम आपका सॉलिड वेस्ट को स्टेबलाइज करते हैं। कंजम्पशन फॉर कन्वर्जन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल, इट इज प्रेफर्ड फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट, आदमी इसको मतलब लोग इसको इंडिविजुअल लेवल पर भी कर सकते हैं, कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वो भी इसको कर सकता है। एंड कॉलोनीज द कंपोस्ट विल वेरी रेडी टू सिक्स, 3 to 6 months, 3 to 6 months आपका कंपोस्ट प्रिपेयर हो जाता है। यूजुअली लोग जिसके पास भी गार्डन वगैरह है वो वर्मी कंपोस्टिंग तो करते ही हैं, या जिसके पास बहुत ज़्यादा कैटल है दोस्तों तो वो भी वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। ऑलराइट, विंड्रो कंपोस्टिंग समझिए क्या होता है, एरोबिक कंपोस्टिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज कॉमनली कैरीड आउट इन विंड्रो, जो हमारा एरोबिक कंपोस्टिंग करते हैं म्युनिसिपल सॉलिड उसका वो आपका यूजुअली विंड्रो के फॉर्म में होता है। विंड्रो का मतलब होता है कि बहुत बड़ा मतलब इस प्रकार से एक कई सारा हम इसको रॉ में हम उसको कंपोस्टिंग करते हैं। ऑलराइट, अब बार बार इसको नीचे ऊपर करना पड़ता है। इन दिस मेथड रेफ्यूज इज डिलीवर्ड ऑन ए पेव्ड और अनपेव्ड ओपन स्पेस, मतलब जो भी हमारा रेफ्यूज है वेस्ट है उसको हम बाहर में किसी खुले स्थान पर उसको डालते हैं। बट लिव्ड एंड वेल ड्रेंड एंड लैंड इन ए विंड्रो, वेल ड्रेंड लैंड इन ए विंड्रो द कंपोस्ट विल बी रेडी इन 12 to 20 weeks, यहाँ से जो कंपोस्ट आपका बनता है तो 12 to 20 weeks में बनता है विंड्रो कंपोस्टिंग, याद रखिए। ओके, ओपन स्पेस में करते हैं। बेंगलोर मेथड देखिए, दिस इज एन एरोबिक मेथड कन्वेंशनली कैरीड आउट इन ए पिट्स, ये आपका एन एरोबिक मेथड है कंपोस्टिंग का, पिट्स में ऑब्वियसली गड्ढा में किया जाता है ताकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो।
द मटेरियल इज अलाउड टू डिकम्पोस्ट 4 to 6 months आफ्टर विच द स्टेबिलाइजेशन मटेरियल इज टेकन आउट एंड यूज एज ए कम्पोस्ट। यहाँ पर आपका 4 से 6 महीना का समय लगता है, ओके 4 से 6 महीना का, याद रखिएगा कभी कभी टाइम पूछ देता है। तो आपका जो बेंगलोर मेथड में है, एनएरोबिक मेथड है, 4 से 6 महीना में आपका कंपोस्ट तैयार हो जाता है, उसके बाद आप उसका यूज कर सकते हैं। इंदौर मेथड देखिए, दिस इज एन एरोबिक मेथड कन्वेंशनली कैरिड आउट इन द पिट्स एंड टू इंश्योर एरोबिक कंडीशन डेट तम, इसको भी पिट्स में किया जाता है लेकिन ये इंश्योर किया जाता है कि उसको मतलब एरोबिक कंडीशन उसको मिलता रहे, मतलब ऑक्सीजन की अवेबिलिटी वहाँ पर का सफिशियंट रखा जाता है। इज टर्न डेट स्पेशली स्पेसिफिक इंटरवल, बार बार उसको मतलब स्पेसिफिक इंटरवल पर नीचे ऊपर, मतलब पूरे के पूरे वेस्ट को नीचे से ऊपर ऊपर नीचे कर दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन सभी को समान रूप से मिलता रहे। द कंपोस्ट इज रेडी टू 2 to 4 weeks। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2 से 4 weeks में आपका मतलब 1 महीने के अंदर आपका कंपोस्ट बन जाता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपका वर्मिंग कंपोस्टिंग में 4 से 6 महीने में कंपोस्ट बन रहा था, विंड्रो कंपोस्टिंग में 12 से 20 weeks, वो तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था दोस्तों। एनएरोबिक में आपका बेंगलोर मेथड हम लोग देखा तो उसमें आपका लगभग 4 से 6 महीना वहाँ भी लग रहा था और यहाँ पर 1 महीना के अंदर आपका कंपोस्ट बन जाता था, तो ये सबसे बेहतरीन है। देखिए टाइम पूछ सकता है कभी कभी, वर्मी कंपोस्टिंग बनने में 3 से 6 महीना लगता है और आपका जो विंड्रो कंपोस्टिंग में 12 से 20 सप्ताह लग सकता है, और बेंगलोर मेथड में 4 से 6 महीना और इसमें इंदौर मेथड में आपका 2 से 4 वीक्स लग सकता है। ऑलराइट दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का है उसके अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। इट डज नॉट हैव द प्रोविजन फॉर इम्यूनाइजेशन ऑफ इट्स हेल्थ केयर वर्कर, कि मतलब जो इसका हेल्थ केयर वर्कर है उसके इम्यूनाइजेशन रिलेटेड में प्रोविजन नहीं है, ये तो गलत है दोस्तों। इट एस्टेब्लिशेज ए बारकोड सिस्टम फॉर बैग्स और कंटेनर कंटेनिंग बायोमेडिकल वेस्ट फॉर डिस्पोजल। देखते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड लैंड फॉर सेटिंग अप कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज। देखिए दोस्तों, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। सेकंड हमारा, इट एस्टेब्लिश बारकोड सिस्टम फॉर बैग्स और कंटेनर कंटेनिंग बायोमेडिकल वेस्ट फॉर डिस्पोजल, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बोला था कि जो भी आपका बायोमेडिकल वेस्ट है, जिस भी कंटेनर में रखा हो उसमें आपको बारकोड सिस्टम या तो रखना पड़ेगा या उसमें लेबलिंग करना पड़ेगा। और उसे कलर कोड तो रहता ही है पहले से, व्हाइट, येलो, रेड, आपका ग्रीन रहता है, कलर कोड तो पहले से रहता है, लेकिन बारकोड सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया था, ये तो सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और 3 कैटेगरीज, बायोमेडिकल वेस्ट हैज बीन कैटेगरी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, 3 ने दोस्तों, 4 कैटेगरीज में हमने इस पर कल डिस्कशन भी डिस्कस किया था। ऑलराइट, तो ये हमारा स्टेटमेंट भी गलत है। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। देखिए और अच्छे समझते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट इज डिफाइंड एज ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट ट्रीटमेंट अपरेटस लाइक नीडल्स, सिरिंज एंड अदर मटेरियल्स यूज इन हेल्थ केयर फैसिलिटी इन द प्रोसेस ट्रीटमेंट एंड रिसर्च। जो हमारा रिसर्च में हो सकता है, चाहे ह्यूमन पे या एनिमल पे रिसर्च वगैरह होता है, या उस पर कर सकते हैं ट्रीटमेंट भी जो होता है, उसमें जो वेस्ट निकलता है आपका बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत आता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इज टू प्रॉपरली मैनेज द पर डे बायोमेडिकल वेस्ट फ्रॉम हेल्थ केयर फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री। 2016 में आपका बताया गया कि आपका जो भी बायोमेडिकल वेस्ट डेली आपका जनरेट हो रहा है उसका पर डे आपको मैनेज करना है। ओके, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंदर क्या 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 है, देखिए द एम्बिट ऑफ द रूल्स हैज़ बीन एक्सपांडेड, इसका मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्केल को बढ़ा दिया गया, बहुत बड़े स्केल में इसको लागू किया गया है, टू इंक्लूड वैक्सीनेशन कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, सर्जिकल कैंप्स और एनी अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। जब मान लीजिए कहीं पर वैक्सीनेशन कैंप्स लगता है तो वहाँ से भी वेस्ट जनरेट होता है, तो उसको भी इसके अंतर्गत लाया गया। आपका ब्लड डोनेशन कैंप यूजुअली लगते ही रहता है, बहुत सारे लोग रक्तदान शिविर लगाते हैं, तो वहाँ से भी इसको मतलब उसको भी इसमें शामिल किया गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये शामिल है, तो हाँ है। फेज आउट द यूज ऑफ क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स, ग्लव्स एंड ब्लड बैग विद इन 2 years। फेज आउट द यूज ऑफ क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स, ग्लव्स एंड ब्लड बैग्स विद इन 2 years, 2 साल के अंदर मतलब इसको फेज आउट करना है, खत्म करना है जो भी आपका क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स या ग्लव्स वगैरह है, इसे अगर वेस्ट है तो। ओके, प्री ट्रीटमेंट ऑफ द लेबोरेटरी वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, ब्लड सैंपल एंड ब्लड बैग्स थ्रू डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन ऑन साइट इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड द WHO और NACO। जो NACO, NACO या WHO का जो भी प्रिस्क्रिप्शन है, प्री ट्रीटमेंट रिलेटेड हमारा जो भी लेबोरेटरी वेस्ट है, आपका लेबोरेटरी वेस्ट के लिए उसको हमको पहले प्री ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, देन उसका जो भी फर्दर उसका प्रोसीजर बताया है आपका WHO रहना को, उसके अनुसार ही हमको सारा काम करना है। ऑलराइट, चाहे डिसइन्फेक्शन से रिलेटेड हो या ब्लड बैग्स को किस प्रकार से हमको स्टरलाइज वगैरह करना है चीज़ें को, वो WHO रहना को का प्रिस्क्रिप्शन को आपको फॉलो करना होगा। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑल इट्स हेल्थ केयर वर्कर्स, इम्यूनाइज ऑल हेल्थ वर्कर्स। देखिए जो आपका हेल्थ वर्कर्स है इनका, उनको तो पूरी तरह से ट्रेनिंग देना और उसको भी इम्यूनाइजेशन करना, ये भी इसके अंतर्गत लिखा गया है, जो कि पहला स्टेटमेंट में बताया गया था, नहीं तो गलत था।
देखिए एस्टेब्लिश ए बार कोड सिस्टम फॉर बैग्स और कंटेनर कंटेनिंग बायोमेडिकल वेस्ट, ऑब्वियसली वो तो बार कोड सिस्टम को उन्होंने कहा था कि लागू करेंगे, तो ये सही है। रिपोर्ट मेजर एक्सीडेंट, जो मेजर एक्सीडेंट होगा उसको रिपोर्ट करना है। बायोमेडिकल वेस्ट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू चार कैटेगरी, हमने पहले भी डिस्कस किया था दोस्तों, हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है उसको चार कैटेगरीज में डिफाइन किया गया, बताया चार कैटेगरी को मतलब क्लासिफाई किया है। इंस्टीड ऑफ टेंड टू इम्प्रूव द सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, ताकि हम वेस्ट को और अच्छे से सेग्रीगेट कर सके। पैथोलॉजिकल था, उसके अंदर इन्फेक्शियस था, हमने इस पर डिस्कस भी किया था दोस्तों। ऑल राइट, देखिए प्रोसीड्यूर टू गेट ऑथराइजेशन इज सिंप्लीफाइड, अगर कोई ऑथराइजेशन लेना पर चाहता है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीड्यूर है। ऑटोमेटिक ऑथराइजेशन फॉर बेंडेड हॉस्पिटल्स, द वैलिडिटी ऑफ द ऑथराइजेशन सिंक्रोनाइज विद द वैलिडिटी ऑफ कंसेंट ऑर्डर फॉर बेंडेड एचएफसी, वन टाइम ऑथराइजेशन फॉर नॉन बेंडेड एचएफसी। ऑल राइट, ये कुछ है प्रोसेस उसका। द न्यू रूल्स प्रेस्क्राइब मोर स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड फॉर इंसिनरेटर टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ द पोल्यूटेंट इन द एनवायरनमेंट, इंक्लूजन ऑफ इमिशंस लिमिट्स फॉर डाइऑक्सिन एंड फ्यूरॉन्स। देखिए द न्यू रूल्स प्रिस्क्राइब मोर स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड फॉर इंसिनरेटर, इंसिनरेटर का जहाँ भी इस्तेमाल होता है उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया है, रूल्स में इसके बारे में बताया गया, कुछ सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया, क्योंकि इंसिनरेशन से दोस्तों पॉइजनस गैस रिलीज होता है, जैसे डाइऑक्सिन हो गया है, फ्यूरॉन हो सकता है, तो ये जब आपका आपका एक प्रकार से पॉल्यूटेंट है, इन्वायरमेंटल के लिए पॉल्यूटेंट है, तो इस पर एक प्रकार से स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड लेने के लिए कहा गया है। ऑल राइट, स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लैंड फॉर सेटिंग अप, देखिए ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि वो लैंड प्रोवाइड करेगा, चाहे आपको किसी प्रकार का बायोमेडिकल फैसिलिटी एस्टेब्लिश करना है या बायोमेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह प्लांट लगाना है, तो स्टेट गवर्नमेंट ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बता रहा था इसलिए वो स्टेटमेंट गलत था। स्टेट गवर्नमेंट है टू प्रोवाइड लैंड फॉर सेटिंग अप कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। ऑल राइट, नो ऑक्यूपायर शैल एस्टेब्लिश एन ऑन साइट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोज फैसिलिटी इट्स इफ ए सर्विस ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी इज अवेलेबल एट डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर। ओके, देखिए नो ऑक्यूपायर शैल एस्टेब्लिश एन ऑन साइट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी इफ सर्विस ऑफ ए कॉमन बायोमेडिकल अवेलेबल एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर। देखिए कोई भी ऑक्यूपायर मतलब जो भी वेस्ट जनरेट करते हैं, जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल्स है, वो अपना खुद कोई डिस्पोजल फैसिलिटी एस्टेब्लिश नहीं कर सकता है ऑन साइट, यदि कोई आपके 75 किलोमीटर के आसपास अगर कोई कॉमन बायोमेडिकल सेंटर है तो उससे पहले आप इसको मतलब नहीं जारी कर सकते हैं। सॉरी, मतलब अगर 75 किलोमीटर के आसपास कोई कॉमन बायोमेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है जहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, डिस्पोजल होता है बायोमेडिकल वेस्ट का, अगर ऐसा है तो आप अपने हॉस्पिटल के आसपास या ऑन साइट पर आप दूसरा एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर यही लिखा गया है। द ऑपरेटर ऑफ ए कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी टू इंश्योर द टाइमली कलेक्शन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट फ्रॉम द HCF एंड असिस्ट द HCF इन द कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग। देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड हम कॉमन आपका जो कॉमन बायोमेडिकल फैसिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, इससे रिलेटेड हम पहले भी बात किए थे कि अपने यहाँ भी पटना बिहार में दोस्तों पहले से कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए पटना में आपका पटना में है, भागलपुर में है, पटना भागलपुर और याद रखिए पूर्णिया में, पटना भागलपुर और पूर्णिया में, सॉरी पटना भागलपुर और मुजफ्फरपुर में, इन तीनों जगह पर आपका कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी पहले से अवेलेबल है। याद रखिए पटना भागलपुर और मुजफ्फरपुर में कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि इन दिनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा चूंकि कचरा हो रहा था पटना हॉस्पिटल के आसपास, लोग कचरा बीन रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, तो बहुत ज़्यादा इस पर आवाज़ उठाता, तो ये सब बातें आई थी कि पटना भागलपुर मुजफ्फरपुर में ये पहले से है कॉमन बायोमेडिकल फैसिलिटी है। ऑल राइट, और चार नया बनाने का योजना है। देखिए इसमें भी बताया गया था कि चार नया प्लांट भी बनेगा, कहाँ कहाँ लगेगा, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है आपका गोपालगंज में, याद रखिए गोपालगंज में बनेगा, दूसरा पटना में बनेगा, थर्ड आपका पूर्णिया में बनेगा और फोर्थ आपका मधुबनी में बनेगा। ऑल राइट, तो याद रखिए इन चारों जगह पर नया प्लांट बनाने का है, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट के रिलेटेड आपका कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी, आपका वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी यहाँ पर बनेगा। तो कहाँ कहाँ पर है पहले से आपके, अगर पूछ दे कि बिहार में कहाँ कहाँ पर कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, तो पटना भागलपुर और मुजफ्फरपुर, पटना भागलपुर मुजफ्फरपुर में पहले से अवेलेबल है, और नया कहाँ कहाँ बनेगा, तो आपका पटना में, गोपालगंज में, पूर्णिया में, मधुबनी में, पटना गोपालगंज पूर्णिया मधुबनी में नया बनने जा रहा है। ऑल राइट, तो ये कुछ क्वेश्चन दोस्तों हम डिस्कस किए हैं, और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए अच्छे से समझिए, कहीं कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों। ओके, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं दोस्तों, एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम तो दोस्तों होना ही है, देखिए एक दो दिन में आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी बातें हैं आपको पता चल जाएगा। ओके, और कमेंट सेक्शन में दोस्तों कुछ लिखिए आपको कैसा लग रहा है पढ़ने पर,
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।